So, hello everyone. Today we have Sarfaraz Khan with us for an exclusive interview. He's coming in on the back of two wonderful performances in the Ranji Trophy. First, a triple hundred against Uttar Pradesh, and then he followed it up with another double hundred against Himachal Pradesh. आपके मन में ऐसा क्या लगता है आपको कि आप क्योंकि आपके सामने इवन जो इंडिया ए वगैरह खेल रहे हैं वो लोग वो एक जो पैकिंग ऑर्डर बन गया है उसमें स्लाइटली आपके थोड़ा आगे होंगे तो आपके हिसाब से आपने अभी ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उन लोगों के आगे जंप करके अपने आप को नेशनल सीन में ला सकें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरे कंट्रोल में जो है मैं उसके बारे में सोच रहा था मैं अभी वही बात करूँगा आप इससे कि मैं ज़्यादा आगे की नहीं सोच रहा हूँ मतलब मुझे आज क्या करना है आज मुझे प्रैक्टिस करना है आगे जाके मेरी रणजी ट्रॉफी दो मैच बची है मुझे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है मतलब मैं इतना आगे की सोच ही नहीं रहा हूँ मतलब अगर मैं आगे की सोचूंगा और मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा वो चीज़ नहीं होगी तो मुझे बहुत हर्ट होगा तो इसलिए मैं आगे की नहीं सोच रहा हूँ डे डे की सोच रहा हूँ उसको कैरी ऑन कर रहा हूँ आपके क्या गोल्स हैं मुंबई के प्रति जो अभी रणजी ट्रॉफी बचा है एज अ टीम तो यही है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस हो रहा है मतलब मैं तो दो मैच था नहीं बट एक मैच हम उसमें हार गया आउट रहे तो कभी कभार ऐसा लाइफ में क्रिकेट है हार जीत होती रहती है कभी ऊपर कभी नीचे तो बस यही एम रहेगा कि जो टीम का सिचुएशन है वैसा खेलना है अगर टीम को लगेगा कि अभी हम लोग को दो आउट रहे जीतना अगर क्वालिफाई होने के लिए और सूर्या भी टीम में आ गया और हमारी टीम और स्ट्रांग हो गई है और काफ़ी सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी है तो ये देखना है कि अब कैसे हम लोग इसको मतलब चेंज कर सकते हैं अभी का दो मैच से तो हमारा अच्छा हो रहा है तीन मैच से फर्स्ट इनिंग जीत भी रहे 625 चेज भी हुआ है और काफ़ी अच्छा रन रेट भी बन चुका है जो हिसाब से एक दिन में 371 हमने किया भी बस अगर हम लोग दो आउट राइट गेम निकालते तो जैसे हम नीचे टेबल में ऊपर भी आ सकते क्रिकेट में कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है तो बस यही ट्राई करेंगे कि जैसा सिचुएशन रहे वैसा खेलें और मुंबई को जिताने की कोशिश करें Actually, I think that is it for today and it was a wonderful conversation with you and all the best for the upcoming Ranji season and the upcoming season of the IPL and thank you very much hopefully hope to see you in India colors very soon inshallah thank you so much thank you